ही गाइस बताऊंगा कि रॉस 2 में कैसे पाइथन की पैकेज को क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको रॉस 2 में कैसे वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं, तो वर्कस्पेस मैंने एग्जांपल पिछली बार होम्स का दिया था, इस बार मैं आपको वर्कस्पेस एज अ कॉलेज एग्जांपल देता हूं। तो आपका कॉलेज क्या है? एक वर्कस्पेस है। कॉलेज का नाम क्या है? एक वर्कस्पेस के उसका गेट क्या है? SRC है। और उसके अंदर जैसे ही आप घुसोगे तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, आपके सिटिंग डिपार्टमेंट जैसा होगा वहां पे आप अपना काम करेंगे। तो वैसे ही पैकेज क्या है, एक टाइप के आप सोच सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कैसे वर्क स्पेस बनाते हैं, तो हमें अब मैं पहले सबसे पहले क्या करना होगा, पैकेज जब बनाएंगे तो हमें अपने किस में पहुंचना होगा, वर्क स्पेस के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, CD रॉस 2 क्लास 1। और जैसे मैंने ये किया मैं अपने किसी वर्क स्पेस में पहुंच गया। इसके बाद क्या करना है, CD SRC, जैसे कि ये मैंने किया और मैं अपने SRC के अंदर पहुंच गया। तो मैं यही चीज़ों को आपको कंपैरिजन के साथ समझाने वाला हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। तो आपको मैंने CD SRC सिखाया, CD को आपको वर्क स्पेस बनाना वर्क स्पेस के अंदर जाना सिखाया। तो CD रॉस 2 क्लास लिखा मैंने, वहाँ पे वर्क स्पेस का नाम रखा था रॉस 2 क्लास 1। आपको वर्क स्पेस का नाम कुछ भी हो सकता है, तो CD रॉस जो वर्क स्पेस का नाम है, देन CD SRC। और उसके बाद क्या करना है, आपको SRC के अंदर पैकेज बनाना है। तो साथ में यहाँ से हम कंपैरिजन करते हुए इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखा है रॉस 2, तो यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले क्या करूँगा, रॉस 2, तो क्या लिखूंगा, रॉस 2। जब आप रॉस 1 में पैकेज बनाते तो क्या लिखते थे, कैटकिन क्रिएट। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, रॉस 2 में मुझे पैकेज बनाना है, रॉस 2 में मुझे पैकेज बनाना है, रॉस 2 में मुझे पैकेज क्रिएट करना है। तो रॉस 2 में पैकेज क्रिएट करना है। अब रॉस 2 में मुझे पैकेज क्रिएट करना है, किस नाम का क्रिएट करना है, तो मैंने पैकेज का नाम रख लिया पैक। अब इसके बाद जब मैंने पैकेज बना लिया तो किस लैंग्वेज से सपोर्टेड करेगी, तो उसके लिए लिखेंगे बिल्ड टाइप। रॉस 2 में मुझे पैकेज क्रिएट करना है, किस नाम क्रिएट करना है, किस लैंग्वेज से सपोर्ट करना है, तो यहाँ मैं बिल्ड टाइप लिखते हैं। इसके बाद जब मुझे लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बोला तो मैं पाइथन पे काम करने वाला हूँ स्पेशली, तो अमेंट पाइथन, मैं पाइथन लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ। जब इसके बाद मुझे क्या लिखना है, पाइथन लिखने के बाद लिखना है आपको डिपेंडेंसी, जो पाइथन से रिलेटेड डिपेंडेंसी है। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया, रॉस पाई होता था, यहाँ पे है रॉस पाई की जगह पे RCL पाई। तो क्या RCL पाई को हम समझाएंगे क्या होता है, समझेंगे डिपेंडेंसी। इसके बाद RCL पाई मतलब होता है, R मतलब होता है रॉस, C मतलब होता है क्लाइंट, क्लाइंट L फॉर लाइब्रेरी, PY क्या होता है, पाइथन की जो फाइल हम सेव करते हैं, रॉस क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पैकेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपका जैसे ये पैकेज क्रिएट होगा आप देख सकते हैं, तो आपका पैकेज क्रिएट होने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर LS करेंगे तो आपको पैकेज दिख जाएगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, मैं आपको फिर से लिखवा रहा हूँ साथ में, रॉस 2, इसके बाद क्या लिखना है, PKG, रॉस 2 में पैकेज क्रिएट करना है, बहुत सही। किस नाम का क्रिएट करना है, रॉस 2 में मुझे पैकेज क्रिएट करना है, किस नाम का पैकेज क्रिएट करना है, मुझे जो नाम रखना हो मैंने पैकेज का नाम रख दिया इस बार पैक 2। इसके बाद मैं किस लैंग्वेज से मैं डिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बिल्ड टाइप, मुझे किस पर डिपेंडेंसी है, पाइथन पे, अमेंड पाइथन। और इसके बाद मुझे क्या डिपेंडेंसी जिससे रिलेटेड मैं काम करना है, अब पाइथन में काम करना है उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी जो जो होंगी, तो उस चीज को मुझे लिखना है डिपेंडेंसीज, और इसके बाद RCL पाई। तो ये जैसे आप करेंगे तो आपका यह पैकेज दूसरा भी मेरा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा दूसरा पैकेज भी बन के तैयार हो गया। अब जब मेरे पैकेज बन जाएंगे, मतलब मेरा मतलब कॉलेज में हो गया, तो एट द एंड हम देखते हैं कि हाँ मेरा कितने अच्छे रिजल्ट आया या मेरे डिपेंडेंसी, तो उसी चीज़ को अपना वेरीफाई करना है कि मेरा पैकेज बन के तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कॉलकॉन बिल्ड देखेंगे, तो आप जैसे कॉलकॉन बिल्ड करेंगे तो आपका पैकेज बन के तैयार हो, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे वेरीफाई हो रहे हैं, बिल्डिंग पूरी तैयार हो रही है पैकेज से रिलेटेड। अब जो पैकेज से रिलेटेड डिपेंडेंसी वो सारी चीज़ तैयार हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये चीज़ अपने हो रही है, जैसे ये हो जाएगी तो मैं देख सकते सबमिट 2 पैकेज फिनिश्ड, आपके 2 पैकेज बन के वेरीफाई हो चुके हैं। तो अभी इसी चीज़ को मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ प्रेजेंटेशन में भी। तो आपको पैसे पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वर्क स्पेस में जाना है, CD रॉस 2 में क्लास लिखा है वर्क स्पेस का नाम, आप अपने हिसाब से जो भी हो, यहाँ पर जब एग्जाम्पल दिया था रॉस 2 क्लास 1 लिखा था, CD SRC चलना है, जैसे मैं उसमें पहुंच जाऊंगा स्टेप 3 को आपको दोबारा नहीं लिखना है, वो डबल टाइप हो गया। इसके बाद रॉस 2
पैकेज, पैकेज का नाम जो मैंने रखना है रॉस टू पी, रॉस टू में पैकेज क्रिएट करना है, रॉस टू पीकेजी क्रिएट, इसके बाद पैकेज का नाम, फिर बिल्ड टाइप अमेंड पाइथन डिपेंडेंसी आरसीएल, इसी को मैंने आपको इमेज के थ्रू दिया है तो आप देख के समझ सकते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या देखा था, वो आपसे सीडी डॉट डॉट करना है, सीडी डॉट डॉट किया या सिंपल वहां से पहुंच जाए होम में आए और कैसे करें सीडी डॉट डॉट और कॉल कॉन बिल्ड करना, तो आपका पैकेज बनके तैयार हो जाएगा। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सो मेनी पैकेज एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड ओनली वन पैकेज, दैट केस फॉलो दिस स्टेप, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जब आप स्पेशली एक पैकेज को बिल्ड करना चाहते हैं तो कॉल कॉन बिल्ड डॉट पैकेज लिखना है और उस पैकेज सिलेक्ट उस पैकेज का नाम। तो अब इसको भी मैं आपको एक साथ करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कॉल कॉन, आपके साथ में करके दिखाऊंगा बिल्ड, इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पैकेज सिलेक्ट, क्या करना है पैकेज सिलेक्ट, जो मुझे स्पेशली पैकेज पे काम करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे पैकेज सिलेक्ट, मुझे सारे पैकेज नहीं बनाने हैं, जिस पैकेज को बनाना चाहते हो इसके बाद पैकेज का नाम लिख देना है। मान लो मैं एक ही पैकेज को बिल्ड करना चाह रहा हूँ, पैक वन हो गया मेरा स्पेशली पैकेज, यहाँ पर गलती है मैंने की है, उस पर गलती को सुधारना है, तो यहाँ पर देख सकते क्या है जो गलती है होगी उसको सुधारना है। देखो कॉल कॉन बिल्ड इसके बाद पैकेज सिलेक्ट रॉस टू पैकेज था, यहाँ पर सिलेक्ट में गलती है, तो उस गलतियों को जो यहाँ पर स्पेशली गलतियाँ होंगी उन गलतियों को आपको सुधारना है और सारी चीज़ें आपकी सही हो, यहाँ पर लिखा अनरिकॉग्नाइज, तो इस चीज़ों को सुधारना है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चल के मैं आपको इसका एग्जैक्ट चीज़ दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। वहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही थी तो उस चीज़ को मैंने अभी सही करके मैंने कहा आपको पूरी चीज़ समझा दूँ, जैसे कई लोगों को डाउट रहता है बाद में मैंने नहीं किया, तो यहाँ पर लिखना है कॉल कॉन बिल्ड, जैसे पैकेज लिखा था वहाँ पर पैकेजेस लिखना है, पैकेजेस, और जैसे ही पैकेजेस लिखेंगे सिलेक्ट पैकेज, तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, उस चीज़ को मैंने अभी देखा और आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाया। तो यहाँ पर पैकेज का नाम, अब एक ही जगह मैं मल्टीपल पैकेज को भी करना चाहता हूँ तो सिंपल आपको करना है दो पैकेज का नाम लिख देना, जैसे मैंने दोनों पैकेज है तो पैक टू भी लिख देना और दोनों मेरे पैकेज बन के कॉल कॉन बिल्ड तैयार हो जाएंगे। तो मल्टीपल पैकेज को एक साथ में बिल्ड कर सकते हैं, एक पैकेज को कर सकते हैं, दो पैकेज को कर सकते हैं, मान लो आपके पास 25 पैकेज हैं उसमें से सिलेक्टिव दो या तीन को करना है, तो इस तरह से आप पैकेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको रॉस टू में पैकेज बनाना सिखाया, तो रॉस वन में पैकेज कैसे क्रिएट करते थे, कैटकिन क्रिएट पीकेजी लिखते थे, इसके बाद पैकेज का नाम, फिर क्या लिखते थे रॉस पाई रॉस सीपीपी और एसटीडी अंडरस्कोर एमएसजी, तो वहां पर बनते थे, वहां पर क्या होता था कि एक जब पैकेज बनाते थे वो पाइथन और सी प्लस दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनता था, यहां पर हम पैकेज अलग अलग बनाते हैं। तो यहां पे आपको क्या डिफरेंस मिला रॉस वन और रॉस टू में, रॉस वन में पैकेज एक ही बनता था और उसमें हम चाहे C++ में कोडिंग कर लें चाहे पाइथन में कोडिंग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर हर लैंग्वेज के लिए, जैसे आप पाइथन में काम करना चाहते हैं तो पाइथन के अलग टाइप का पैकेज बनेगा और आप यदि C++ में काम करना चाहते हैं तो पैकेज अलग टाइप का बनेगा। तो आप सबसे पहले मैं आपको उस पैकेज के अंदर थोड़ा सा जांच के दिखाऊंगा, सॉरी ls देखेंगे, और जैसे cdsrc की और cd मैंने पैकेज के अंदर जाया पैक, थोड़ा सा मैं वो चीज़ को आपको आइडिया दूंगा, और ls देख सकते हैं पैकेज के अंदर क्या क्या फाइल बनी, पैक इसके अंदर पैक बना है और कहाँ पे हम कोडिंग करेंगे नोड और जो हम जो इसके बाद कोडिंग करेंगे वो सब पैकेज के अंदर उसी पैकेज नाम का होगा, वहाँ पे आपको कोडिंग का काम सारा करना है। तो आगे मैं चल के ये सारी चीज़ क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।